खीरी थाना क्षेत्र के लगुचा गांव में एक छात्रा को उसके प्रेमी ने घर से बाहर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद हत्यारे ने मृतक छात्रा के शव को पेड़ से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की साजिश भी रच डाली। रात में ही लापता छात्रा के परिजनों ने लड़की के मोबाइल के जरिए प्रेमी को दबोच लिया तथा उसकी निशानदेही पर शव को बरामद कर लिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई तथा छात्रा के शव को अपने कब्जे में लेकर थाने उठा ले आई, जहां पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खीरी थाना क्षेत्र के ग्राम लगुचा ग्राम निवासी हीरा लाल की 17 वर्षीय बेटी जो कि 12वीं कक्षा की छात्रा थी, बीती रात छात्रा अचानक घर से लापता हो गई। आशंका के चलते परिजनों ने छात्रा को तलाशना शुरू कर दिया। काफी तलाशने के बाद भी जब छात्रा नहीं मिली तो परिजनों ने छात्रा का मोबाइल फोन तलाशने लगे। मोबाइल मिलने पर देखा तो उसमें सिराजुद्दीन पुत्र इस्लाम की कई छूटी हुई कॉल पड़ी थी, जिसके बाद परिजनों ने पुनः लड़की की तलाश शुरू की तो देखा कि कुछ लोग लड़की को पास के ही एक आम के पेड़ पर टांग रहे हैं। परिजनों की आहट पाकर वहां मौजूद लोग भागे, जिसमें से एक युवक को परिजनों ने पकड़ लिया और पूछने पर पता चला कि सिराजुद्दीन है। छात्रा का शव मिलने से परिजनों के होश उड़ गए। वारदात की सूचना पाकर SP व CO सिटी तथा खीरी इंस्पेक्टर दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। समुदायों के बीच का मामला होने के चलते पुलिस ने आनन फानन में शव को अपने कब्जे में लेकर थाने भेज दिया तथा हत्या आरोपी प्रेमी को अपनी हिरासत में ले लिया, जहां पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खीरी के इंस्पेक्टर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सर जी, आज ये जो घटना यहाँ पे लगुचा में हुई है, सर इसके बारे में कुछ आप जानकारी हमें देना चाहेंगे? एक लड़की है, लगुचा गांव में एक बाग है जी, उसमें आज सूचना मिली थी कि रात में जो है उसका शव पेड़ की डाल से लटका हुआ है जी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की सूचना दी, पुलिस आई मौके पर, उसकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और अभी तक जाँच से ज्ञात हुआ है कि वहीं गांव के ही एक व्यक्ति हैं जिनसे उनका कुछ संबंध थे।